हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? देख रहे हैं राज किचन्स रेसिपी और आज हम बनाने वाले ग्वाश फली और टमाटर की सब्जी, मसालेदार चटपटी, बहुत ही शानदार, खाते ही मज़ा आ जाएगा। तो उसके लिए हमने जो जो इंग्रेडिएंट लिए हैं, ज़्यादा बोर नहीं करते हैं आपको, हमने 200 ग्राम लिए हैं हमने ग्वाश फली, जिसे इस तरीके से काट लिया है। आपके राज्य में और कहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम बनाने वाले ग्वार फली कुछ लिए हमने। दो टमाटर जिन्हें बारीक काट लिया है, थोड़ी सी लेंगे एक बहुत छोटी चम्मच के आसपास काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और लेंगे गरम मसाला एक छोटी चम्मच, एक बड़ी चम्मच लेंगे लाल मिर्च, हम खाते तीखा मिर्च आप कम कर सकते हैं, थोड़े से लेंगे राई के दाने और दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले गैस पे चढ़ा दिए कढ़ाई, इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, तो एक बड़ा चम्मच के आसपास, छोटा ही चम्मच डाला हमने, तेल डाल दिया, गर्म हो गया हमारा तेल, इसमें ऐड कर देंगे राई के दाने, थोड़ा सा इनको तड़का लगने देंगे। तो हमारी राई को लग चुका है तड़का, इसमें ऐड कर देंगे प्याज, प्याज कर लेंगे हम थोड़ी सी हमारी फ्राई करीब एक मिनट के आसपास हाई फ्लेम पर। और सॉरी, हम आपको प्याज इंडिकेटर में बताना भूल गए थे, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि प्याज हमें डालनी है इतनी, करीब एक छोटी प्याज के आसपास हमने डाली है। तो सिंपली हम इसको, हमारी प्याज देखिए आप अच्छे से फ्राई हो चुकी है और 80%, और अब इसमें कर देंगे हमारी ग्वाश फली है और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसको फ्राई कर लेंगे हम। तो इसको अच्छे से, हरी मिर्च और हमारी ग्वाश फली को अच्छे से हम कर लेंगे फ्राई हाई फ्लेम पर। तो ग्वाश फली हमारी हम अच्छे से मिक्स कर चुके हैं तेल के अंदर, इसमें ऐड कर देंगे हम सॉल्ट यानी कि नमक, आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार, इसको कर लेंगे हम मिक्स नमक को। तो नमक हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, गैस कर देंगे हमारी लो फ्लेम पर और इसको रख देंगे हम ढककर करीब 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर एक बार इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो 50% के आसपास हमारी ग्वाश फली गल चुकी है, गैस हमारी लो फ्लेम पर ही है, और इसमें ऐड कर देंगे हम सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और इसको कर लेंगे हम मिक्स। तो मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, अब इसमें डाल देंगे हमने जो टमाटर लिए थे तो बारीक कटे हुए, और इनको भी कर लेंगे अब मिक्स, और सिंपली कर देंगे गैस हमारी हाई फ्लेम पर अब, और हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक इसको लगातार इस तरीके से चलाएंगे। तो 1 मिनट लगातार हमने इसको, टमाटर हमारे हल्के से फ्राई हो चुके हैं, गैस हाई फ्लेम पर है, इसमें कर देंगे 50 ml के आसपास पानी ऐड, और ये पानी हमारा सूखने तक, जलने तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से। तो काफ़ी पानी है, 50 ml में डाला था, करीब करीब 30 ml पानी जल चुका है, और गैस हमने कर दी है लो फ्लेम पर, और लो फ्लेम पर इसको फाइनली ढक कर रख देंगे हम 30 से 40 सेकंड के लिए। तो 30 सेकंड के आसपास हो चुका है, 30 सेकंड से थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेंगे हम। ग्वार फली हमारी पक चुकी है, और इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हरा धनिया थोड़ा सा, और इसको कर लेंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारी ग्वार फली टमाटर की सब्जी बनकर है तैयार, गैस कर देंगे हम बंद, धनिया मिला चुके हैं। फ्रेंड्स दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके चैनल राज किचन्स रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब एक ही बार करना है, दोबारा आपको नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाया है उसे खाकर ख़त्म करते हैं।